सो हाय गाइज, आज हमारे पास में वीवो V17। आज मैं आपको इस वीडियो में इस फ़ोन का प्रोज एंड कॉन्स का रिव्यू करने वाला हूँ कि ये फ़ोन किस मामले में अच्छा है, किस मामले में बेकार है और क्या आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए 23,000 रुपये की कीमत में। पहले प्रोज की बात कर लेते हैं। प्रोज डिज़ाइन वाइज फ़ोन काफ़ी अच्छा है। डिज़ाइन अगर बॉडी लैंग्वेज की अगर आप बात करते हो तो बॉडी लैंग्वेज काफ़ी अच्छी है, डिज़ाइन वाइज काफ़ी स्लिम है और पीछे कैमरा का जो बम्प दिया हुआ है वो भी आपको काफ़ी अच्छा लगने वाला है। मतलब ओवरऑल आपको फ़ोन अपने हाथ में लेने के बाद में काफ़ी अच्छा फील होने वाला है। सेकेंड थिंग ये कि इसके जो डिस्प्ले है सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, फुल एच डी प्लस की डिस्प्ले है और आप किसी भी एंगल से देखते हो तो आपको काफ़ी अच्छे व्यूइंग एंगल्स वगैरह देने वाली है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपको देने वाली है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, डिस्प्ले को लेकर आपको कोई भी इशू नहीं होगा। थर्ड थिंग ये कि इसमें 8 GB और 128 GB का मिनिमम वेरियंट दिया हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छी बात लगती है मुझे। और कंपनियाँ 4 GB 64 GB का बेस वेरियंट देती है, बट इसमें 8 GB 128 GB के साथ में आप काफ़ी अच्छी चीज़ें कर सकते हो। अगली चीज़ जो अच्छी लगी मुझे इसका सेल्फी कैमरा काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हद तक इतनी अच्छी सेल्फीज ले लेता है। वीवो के सेल्फी कैमरा आते हैं जो 32 MP के, वो काफ़ी अच्छे रहते हैं और बैक कैमरा भी डे लाइट कंडीशन में अच्छा है, बट नाइट लाइट कंडीशन की मैं आपको इतनी अश्योरिटी नहीं दे सकता हूँ। ये कुछ चीज़ें इस फ़ोन की अच्छी है और डेली लाइफ में भी फ़ोन को कोई भी दिक्कत नहीं होती यूज़ करने में, बट कुछ कॉन्स भी है। सबसे पहला कॉन्स ये है कि इसकी जो प्राइस है वो 23,000 रुपये इसके प्रोसेसर के अकॉर्डिंग ठीक नहीं है। मतलब इतना अच्छा प्रोसेसर नहीं है, 10 से 11 हज़ार रुपये कीमत के फ़ोन में आपको ये प्रोसेसर मिल जाएगा, बट यहाँ पे जो प्रोसेसर दिया हुआ है स्नैपड्रैगन 665 वो इतना अच्छा प्रोसेसर नहीं है। सेकंड थिंग ये कि इसका जो कैमरा है वो डे लाइट कंडीशन में ठीक है, बट नाइट में इतना अच्छा तरीके से वर्क नहीं करेगा। बैक कैमरा स्पेशली फ्रंट कैमरा अच्छा है। और अगली चीज़ ये कि 23,000 रुपये इस फ़ोन की कीमत रखना केवल डिज़ाइन के लिए या फिर 8 GB 128 GB के लिए मैं जस्टिफाई नहीं करता हूँ। इतना ओवर प्राइज्ड फ़ोन को रखना 10 से 11 हज़ार रुपये 15 हज़ार रुपये कीमत में ये फ़ोन रहता तो ठीक था, बट यहाँ पे इतनी ज़्यादा प्राइस कर दी गई है तो उस प्राइस रेंज में ये फ़ोन ठीक नहीं है। अगली चीज़ ये कि कई लोग मेमोरी कार्ड वगैरह डालते हैं तो हाइब्रिड सिम स्लॉट का ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें आप दो मेमोरी कार्ड वगैरह या फिर दो सिम कार्ड या एक मेमोरी कार्ड वगैरह एक साथ यूज़ में नहीं ले सकते हो और नॉट गुड फॉर गेमर्स। एक्चुअली जो गेमिंग वगैरह करते हो आप लोग उसके लिए फ़ोन अच्छा नहीं, क्योंकि स्नैपड्रैगन 665 इतने अच्छे तरीके से वर्क नहीं करता। अगर थोड़ा सा भी दिमाग हो तो सोचिए कि स्नैपड्रैगन 665 जो कि रेडमी कंपनी 10,000 रुपये में दे रही है, वो वीवो आपको 20 से, मतलब वीवो के कोई से फ़ोन देख लीजिए, हमेशा हर फ़ोन स्नैपड्रैगन 665 के साथ में आ रहा है। कोई 18,000 का फ़ोन है, कोई 20,000 का फ़ोन है, कोई 30,000 का फ़ोन भी इनका स्नैपड्रैगन 665 के साथ में आ रहा है, तो उस चीज़ को आप गौर कीजिए। और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप गलत फ़ोन खरीदें, गलत तरीके से उसे यूज़ करें या फिर गलत पैसे आपका वेस्ट हो। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।